सो स्टूडेंट, फाइनली आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज लेकर आया हूँ। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो कि व्यापम में एक और भर्ती वैकेंसी निकल कर, जी हाँ, आपने सही सुना है, व्यापम में एक और भर्ती वैकेंसी निकल कर आपके सामने आई है। श्रम निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक यानी कि लेबर इंस्पेक्टर की 34 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकल कर रही है व्यापम में। जैसे कि हाल ही में अभी देखिए छत्तीसगढ़ व्यापम में बहुत सारी वैकेंसी निकलने को मिल रही है। जैसे कि अभी देखा शिक्षक भर्ती, उसी प्रकार ITI में प्रशिक्षण अधिकारी का वैकेंसी देखने को मिला है 366 पदों के लिए। उसी प्रकार यहां पर आपका श्रम निरीक्षक की 34 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है। इसकी जानकारी क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, इसकी रणनीति क्या होगी, कैसे तैयारी करना है, पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं श्रम निरीक्षक यानी कि लेबर इंस्पेक्टर के बारे में, जिसकी भर्ती व्यापम देगा। 34 पदों पर यह वैकेंसी निकल कर आई है, 34 पद, लेकिन यहाँ पर अलग अलग विभाग में निकली है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके बाद मैं आपका सिलेबस बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सहायक श्रम पदाधिकारी के 4 पद, ठीक है, कितने पद, 4 पद। उसी प्रकार श्रम निरीक्षक के 14 पद और श्रम उप निरीक्षक के 16 पद, यानी कि टोटल यहाँ पर 34 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है लेबर इंस्पेक्टर का, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में, और इसकी देखिए आवेदन करने की जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो अभी फिक्स नहीं की गई है, यानी कि आपको एक दो दिन में आपको डेट मिल जाएगा, यानी कि मई में ही आपका डेट मिल जाएगा इसके ऑनलाइन आवेदन करने का प्रारंभिक तिथि के बारे में। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सहायक श्रम पदाधिकारी का यानी कि श्रम निरीक्षक का यानी कि लेबर इंस्पेक्टर का पाठ्यक्रम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पाठ्यक्रम आपका स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ सामान्य अध्ययन भाग 1 में आपका टोटल इस प्रश्न पत्र के इस भाग में 80 अंकों के कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 80 नंबर, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, जर्नल स्टूडेंट है ना, ये आपका उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कंप्यूटर सामान्य जानकारी भाग 2 में आपका दिखा रहा होगा कंप्यूटर सामान्य जानकारी। उसी प्रकार तीसरा है आपका, जैसे कि देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस प्रश्न पत्र के 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, कितने नंबर के, 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल है, उसी प्रकार तार्किक और विश्लेषण क्षमता है, उसी प्रकार निर्णय निर्माण और समस्या का निवारण है, मूल संख्यात्मक है, गणित वगैरह पूछा जाएगा, रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा, ठीक है, इसमें टोटल 150 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा 150 अंकों का, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मिल जाएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगा इसका श्रम निरीक्षक का, ठीक है। यही जानकारी देना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ भर्ती में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, अगर व्यापम PSC की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।